subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. हार्दिक तहे दिल से स्वागत हूँ आप लोगों को. आज कुछ स्क्रीन शेयर करने वाले, क्योंकि टाइम का हम लोग थोड़ा विशेष ध्यान रखेंगे. समय की कीमत अगर हम लोग नहीं पहचानेंगे तो फिर समय अपनी कीमत अपने आप पहचानवा देता है, ऐसा कहा जाता है. तो इट इज बेटर कि हम लोग टाइम से काम स्टार्ट करें और टाइम से ही काम को फिनिश करें. और अब आप लोगों को सवाल पूछने का पूरा अधिकार है. तो अपना सेशन स्टार्ट करते हैं और आपके सामने एक स्क्रीन शेयर करेंगे हम. दोस्त, इसमें आज हमारा है जो सेशन जिसपे हम ले रहे हैं चेकलिस्ट, वो कौन कौन से चेक पॉइंट होते हैं जिन्हें हमें चेक करना चाहिए और उनके ऊपर हमें काम करना चाहिए कि आपका सिस्टम ऑटो पायलट मोड में चला जाए. कि आप बिजनेस में रहें या ना रहें, आप कोई भी आदमी बिजनेस चलाए, आपका बिजनेस उसी हिसाब से रन करना चाहिए जिस हिसाब से आप उसको रन कर रहे हो. तो पैसिव इनकम का मतलब ही होता है कि सिस्टम आपके बगैर चले. जितनी भी बड़े इंडस्ट्री, बड़े ऑर्गेनाइजेशन आप लोग देखते हो, उसके अंदर क्या होता है कि किसी भी आदमी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होता है सिस्टम. सिस्टम चलाता है उस ऑर्गेनाइजेशन को. तो जैसे यहाँ पे बाली साहब भी बोलते अक्सर हैं कि हम सिस्टम को ऐसा बनाने जाएंगे कि इसमें कोई भी मैनेजिंग डायरेक्टर रहे लेकिन वेस्टीज के डिस्ट्रीब्यूटर्स को कोई भी प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए, उनका बिजनेस एज इट इज रन करे. तो यही छोटे छोटे सिस्टम्स हम लोगों को भी बना के चलना चाहिए कि आप बिजनेस में को इस तरीके से खड़ा करें, भले ही उसमें एक साल लगे, दो साल लगे, लेकिन सिस्टम को इस तरीके से आप डिजाइन करें कि आपके होने ना होने पर भी ये बिजनेस आपका चलता रहे. सुनने में तो ये बहुत अच्छा लगता है कि ऑटो पायलट मोड. तो ये जो हमने बताया, इसमें हमने देखो आपको दिखाई पड़ेगा एक फिगर और हमने कुछ पिक्चर ड्रा की है. इस पिक्चर को आप लोगों को मैं अच्छी तरह समझाऊंगा. इसके अंदर बहुत सी चीजें हैं जो आपको समझने के लायक हैं. ऑटो पायलट मोड में जो चेकलिस्ट होती है, पांच में, पहला तो ओनर है जो कि आप हो, दूसरा ओनर के गोल्स जो आपके गोल्स होंगे, आता है आपका कुर्सी. कुर्सी हमने क्या किया है कि जहां पर पोजीशनिंग होगी, ये पोजीशनिंग के बारे में हम लोग डिटेल में चर्चा करेंगे. जो कुर्सी के ऊपर सही लोग बैठाए जा सकें वो चौथा पॉइंट है. और पांचवा पॉइंट है ऊपर से इस तरीके. जब आप आगे बढ़ते हैं तो आप लोगों को ये सिस्टम ऑटो पायलट मोड में चला जाता है. ये आप सेशन खत्म होते होते आपके समझ में आ जाएगा कि किस तरीके से हमारा सिस्टम ऑटो पायलट मोड में जाए और जाना चाहिए. सब लोग चाहते हैं कि ये पैसिव इनकम आपके बिना भी आए, लेकिन उनको ये पता नहीं होता है कि ये पैसिव इनकम उनके रहे बिना आएगी कैसे. ऐसा क्या काम करें कि आपके ना होने पर, आपके सिस्टम में मौजूदगी ना होने पर भी आप छुट्टी चले जाएं, आप हॉलीडे ले लें, आप अपने बच्चे को ट्रांसफर कर दें अपना बिजनेस और आपका बिजनेस वैसे ही चलता रहे. उसके लिए हम आप लोगों को ये आज का सेशन देंगे. मुश्किल से 15 मिनट का सेशन होगा. आप इसको बहुत ही तसल्ली से सुनिएगा और सारे क्वेश्चंस भी नोट करिएगा. आगे बढ़ते हैं. और ये सब कुछ हम किस तरीके से आपको सिखा रहे हैं, हम किस बेसिस पे आपको ये नॉलेज दे रहे हैं, इसके बारे में भी हम आपको कुछ अपने बारे में भी बताना चाहेंगे पहले, क्योंकि हमारी स्क्रीन के ऊपर इस समय लगभग 90 लोग अभी मौजूद हैं और वो सभी लोगों को में से काफी लोग हैं जो हमसे पहली बार यहाँ पर रूबरू हो रहे हैं. तो हम आपको थोड़ा अपना इंट्रोडक्शन भी बिल्कुल शॉर्ट में देंगे, क्योंकि बाकी आप लोगों ने हमारे वीडियोस में आप लोगों ने हमारे बारे में थोड़ा बहुत जाना होगा कि मैं कौन हूं और मैं किस हैसियत से आपको ये सिखाने की कोशिश कर रहा हूं. मेरा नाम पंकज वर्मा है और मैं हरदोई जिले का रहने वाला हूं. ये उत्तर प्रदेश में लखनऊ के पास में हरदोई जिला पड़ता है, हम वहां पे रहते हैं. और मैंने बीटेक मैकेनिकल से किया है प्लस एमबीए किया हुआ है. 1999 का पास आउट हूं और दिल्ली में मैंने अपना जॉब स्टार्ट किया था. ऑटोमोबाइल सेक्टर में मैं काम करता था. सन 2008 तक मैं ऑटोमोबाइल सेक्टर में रहा और साथ में ही शुगर इंडस्ट्री में भी रहा. दोनों ही सेक्टर में चेंज करता रहा.
क्योंकि शुगर इंडस्ट्री का भी मैंने स्पेशलाइजेशन कानपुर से किया हुआ है। सन 2008 में मैंने स्विच किया और मैं जिंदल में चला गया और दिल्ली में जिंदल में मैं बैठता था भीखा जी काम प्लेस में। प्लस उसके बाद में सन 2010 से 2018 तक मैं एलएनटी पावर यानी कि लासन टर्बो में से रिटायरमेंट मैंने ले लिया। अपनी इंडस्ट्री को मैंने बाय बाय किया। लगभग 18 साल तक मैंने काम किया इंडस्ट्री लाइन में। ये जर्नी मेरी बहुत खूबसूरत जर्नी रही। यहाँ से मैंने बहुत कुछ सीखा है। तो कॉर्पोरेट सेक्टर में कैसे लोग अपने बिजनेस को चलाते हैं ये सारी चीजें हमने वहां पर सीखी। और सन 2017 अगस्त 3 को मैंने वेस्टीज इंडस्ट्री ज्वाइन किया और अपनी जॉब के साथ में ही ज्वाइन किया था। और प्लस 3 महीने के अंदर अक्टूबर 2017 में ही मैंने अपना डायरेक्टरशिप कंप्लीट किया। मार्च 2018 में मैंने अपना क्राउन डायरेक्टरशिप कंप्लीट किया सिर्फ 6-8 महीने के अंदर अंदर। और उसके बाद में 16वें महीने में मैंने अपना यूसीडी लेवल क्रॉस किया। कार अचीवर भी रहा हूं और अभी 20 महीने के अंदर मैंने अपना नेशनल मोटिवेटर स्पीकर का भी मैंने अवार्ड लिया अपनी टीम से, टीम चैंपियन से। अभी मेरे को पूरे पूरे 2 साल हो चुके हैं इस वेस्टीज के अंदर। और आप जैसे भाइयों की मैं थोड़ी सी मदद करने की कोशिश करता हूं कि जो हमारा एक्सपीरियंस है, जिस जर्नी पर चलने पर मुझे 2 साल लग गए, तो मैं चाहता हूं कि आप लोग उस जर्नी को 1 साल में तय कर लें। उसी के लिए मैं अपना प्रयास कर रहा हूं कि मैक्सिमम लोगों को मेरी सेवाएं पहुंच सकें। आप में से ऐसी स्क्रीन के ऊपर अभी बहुत से लोग हैं जो कि मेरी टीम से भी नहीं है और मेरे को जानते भी नहीं, उसके बावजूद भी मैं आप लोगों को कुछ सिखाने की कोशिश करता हूं कि हो सकता है कि कोई ना कोई पॉइंट आपके काम आ जाए और आपकी लाइफ बहुत चेंज हो जाए मेरे प्रयासों से। तो इसके लिए ये मेरा प्रयास था। आगे बढ़ते हैं दोस्तों फटाफट और ये बताते हैं कि आपको पायलट मोड सिस्टम होता क्या है और इसमें ओनर की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, क्या पॉइंट्स हैं, गोल्स का क्या पॉइंट्स हैं, कुर्सी का क्या मतलब है, सही लोगों का क्या इसका डेफिनेशन है और मॉनिटरिंग कैसे करनी पड़ेगी, इन सब के ऊपर हम लोग डिटेल में चर्चा करेंगे। ओनर का मतलब होता है आप इस बिजनेस के अंदर हो, आपको क्या क्लियरिटी होनी चाहिए, आपका सबसे पहले तो फोकस होना चाहिए अपने बिजनेस के अंदर। फोकस का मतलब होता है कि फोकस एक होना चाहिए, एक माइंडसेट होना चाहिए, आपकी स्किल्स होनी चाहिए, हैबिट होनी चाहिए और एनर्जी लेवल। ये 5 चीजें मैंने आइडेंटिफाई की हैं। ये 5 की 5 चीजें आपके अंदर होनी चाहिए। और वेस्टी के जो ओनर का मतलब हुआ कि आपका मालिकाना हक होता है। कब होता है? जब आपको पूरा फोकस होता है। फोकस का मतलब आप समझते हो कि जैसे हम लोग छोटे पर थे, एक लेंस लेते थे और सूरज की किरणें कार्बन के ऊपर हम फोकस करते थे तो कार्बन जल जाता था। सूरज वही है, कार्बन वही है, सिर्फ फोकस लेंस हमने लगाया और कार्बन को जला दिया। इसलिए जला पाए क्योंकि वहां पर फोकस किया। जब चीजों पर आप फोकस करते हो तो आग लगा सकते हो आप, लेकिन आग लगाने के लिए मोटिवेशन भी चाहिए होता है, साथ में प्रॉपर गाइडलाइंस चाहिए होती हैं, वो फोकस चाहिए होता, माइंडसेट, आपका माइंडसेट ऐसा होना चाहिए कि जैसे हम लोग जब जॉब पे जाते हैं या कोई आदमी नौकरी करता है या कोई बिजनेस में या दूसरा बिजनेस कर रहे हो, तो वहां पर हम लोगों का माइंडसेट क्या होता है कि अगर हम जॉब पे जैसे हम रहे 20 साल तक तो जॉब में क्या करते थे कि यार आज अगर मैं जॉब पे नहीं गया ना तो बहुत सा काम रुक जाएगा, आज अगर हम जॉब पे नहीं गए तो हमारा प्रमोशन भी रुक सकता है, हमारा बॉस नाराज हो जाएगा, हमारे को लॉस हो जाएगा, हमारा सैलरी कट जाएगा। ये एक माइंडसेट होता है नौकरी वालों का। यही अगर माइंडसेट आप एक बार अपने वेस्टीज बिजनेस में ला करके देखें कि आज अगर हमने काम नहीं किया तो मेरा वेस्टीज बिजनेस रुक जाएगा, आज अगर हमने काम नहीं किया तो वेस्टीज की भी कुछ ना कुछ हानि हो सकती है, वेस्टीज में अंदर लॉस हो जाएगा हमारे बिजनेस का, आज अगर हमने बिजनेस में काम नहीं किया, वेस्टीज में काम नहीं किया तो हमारे बहुत सी डाउनलाइंस का नुकसान हो जाएगा, मेरे को हो सकता है मेरा चेक जो है जो बढ़ने वाला था वो कम हो जाएगा। अगर ये माइंडसेट आपके दिमाग में जिस दिन आ जाएगा उस दिन आप इस बिजनेस के अंदर बड़ा कर जाओगे। तो ये माइंडसेट आपको डेवलप करना पड़ेगा। हमारे स्क्रीन के ऊपर भी 90 लोगों से ज्यादा लोग हैं और इस समय मैं देखता हूं कि बहुत से लोग होंगे जिनका माइंडसेट ही डेवलप नहीं है, कर रहे हैं 2-2 साल से बिजनेस लेकिन उनको अभी भी लगता नहीं है कि वो सक्सेस हो जाएंगे। भाई अगर आपका माइंडसेट नहीं बनाया, आपने फोकस नहीं बनाया तो इस बिजनेस में आप 10 साल लगे रहो, बिजनेस के अंदर आपको जो है सफलता मिलना मुश्किल पड़ जाएगी।
तो पहले अपना माइंडसेट प्रिपेयर करिए कि यस, अगर कोई आदमी इसमें सक्सेस होकर आगे बढ़ा है तो मैं भी कर सकता हूँ, तो कोई भी डिफरेंस नहीं है। सिर्फ डिफरेंस इस बात का है कि माइंडसेट तैयार नहीं है आपका, वो माइंडसेट आपका मेंटल आपका तैयार करता है आपका। क्योंकि तो कभी कभी क्या होता है कि अक्सर हमने देखा है कि अपने आप खुद माइंडसेट तैयार नहीं कर पाते हम लोग, तो उसके लिए हमें मेंटरशिप की जरूरत पड़ती है, जो प्रॉपर मेंटर हो, तो उसी के पास करके आप अपना माइंडसेट पहले तैयार करिए। स्किल्स, स्किल्स मतलब आपके अंदर वो प्रतिभा होनी चाहिए, वो तरीके पता होने चाहिए कि आप बिजनेस में माइंडसेट भी बना लिया, फोकस भी बना लिया। अब स्किल्स नहीं है, जब स्किल्स नहीं है तो आप उस बिजनेस को आगे बढ़ा भी नहीं पाओगे, केवल टक्करे मारते फिर रहे हो, जाना कहीं है और जा कहीं और रहे हो। तो स्किल्स प्रॉपर डेवलप करिए आप लोग, हैबिट मतलब आपकी आदत पड़ जानी चाहिए इस बिजनेस को करने की। आप जिस दिन ये बिजनेस ना करें उस दिन आपके अंदर एक अजीब सी बौखलाहट होनी चाहिए, तो आपकी हैबिट होनी चाहिए, आपके खाते पीते सोते जागते हर जगह वो वेस्टीज का नाम घुसा होना चाहिए, हर समय आप वेस्टीज के बारे में सोच सकते हो। क्योंकि ये सब चीजें हमारे बताने से नहीं, जिस दिन आपका माइंडसेट बन जाएगा उस दिन आपके हैबिट भी तैयार हो जाएगी। और रही बात है एनर्जी लेवल की, सर आप लोग अपनी एनर्जी लेवल को इतना बढ़ा के रखिए कि बिजनेस के अंदर आपको कोई भी डिमोटिवेट ना कर सके। कि अगर आपका एनर्जी लेवल डाउन है तो आपको लोग कभी भी आकर डिमोटिवेट कर सकते हैं। तो अपना एनर्जी लेवल बढ़ाने के लिए मैंने अपने टीम के अंदर कुछ लोगों को मैंने अभी सिखाया भी है, जो मेडिटेशन करवाना सिखाया है। आप मेडिटेशन करते हो तो आप अपनी एनर्जी लेवल को बढ़ा सकते हो, क्योंकि मेडिटेशन नहीं करोगे तो आपका माइंड बैलेंस नहीं हो पाएगा, आपकी पर्सनल लाइफ और बिजनेस लाइफ बैलेंस नहीं हो पाएगी, और उस समय आपको फ्रस्ट्रेशन आ सकता है, तब आपका बिजनेस ये डाउन की पोजीशन में जा सकता है। ये पांच चीजों के ऊपर अगर आप फोकस कर लेते हो और उसके बाद आगे बढ़ते हैं दोस्त, अगर आपने ये सारी चीजें डेवलप कर ली हैं तो अच्छी बात है, अगर नहीं की है तो फोकस करिए अपने बिजनेस के ऊपर, माइंडसेट अपना तैयार करिए, अपनी स्किल्स डेवलप करिए, स्किल्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं, प्लस अपनी हैबिट बनाइए बिजनेस को करने की, और एनर्जी लेवल अपना हाई लेवल पे रखिए। इतना कर लेते हो तो आगे बढ़िए और अपना गोल सेट करिए। गोल आपका स्मार्ट होना चाहिए, यस, SMART। मतलब होता है वो गोल आपका स्पेसिफिक होना चाहिए कि आपको एक क्या बनना है। बहुत से लोग आते हैं मेरे पास है, वो कहते हैं सर मेरे को बिजनेस अपना बड़ा करना है। भाई कोई मतलब नहीं होता है बिजनेस बड़ा करने का, मतलब कोई भी नहीं समझ सकता है। जब तक आपके माइंड के अंदर वो चीजें रजिस्टर नहीं होती, जब तक आपके दिमाग के अंदर दिमाग की बत्ती नहीं जलती, तब तक वो गोल आपका स्पेसिफिक नहीं कहलाता। तो स्पेसिफिक चाहिए, मेजरेबल होना चाहिए। मेजरेबल मतलब है कि उसको मापा जा सके। जैसे अगर आप जिम जाते हो तो आपको आपको जिम वाले को बोलो सर मेरा वजन कम करना है, तो वो आपको बोलेगा सर कितना करना है, आप वो तो बताओ, वजन कम तो करना है बट कितना। तो आप बोलोगे मेरे को 10 किलो वजन कम करना है, तो फिर वो आपसे क्वेश्चन करेगा सर कब तक 10 किलो करना है वजन कम। ऐसा नहीं कि आज ज्वाइन किया और कल आपका वजन 10 किलो कम हो जाएगा, ये पॉसिबल नहीं है, यानी कि रिलेवेंट नहीं है। तो मेजरेबल हो गया आपका, 10 किलो वजन कम करना है, वजन कम करना एक स्पेसिफिकेशन हो गया। मेजरेबल क्या हो गया, 10 किलो वजन कम करना है। अटेंडेबल क्या हो गया कि आपने कहा कि सर मेरे को अगले 6 महीने में 10 किलो वजन कम करना है, तो ये अटेंडेबल है, मतलब आपका दिमाग इस बात को एक्सेप्ट कर लेगा कि हाँ ये वाकई 10 किलो वजन 6 महीने में कम किया जा सकता है। रिलेवेंट नहीं है, मालूम पड़े आपने बोला कि सर मेरे को 1 महीने के अंदर अपना आधा वजन कर देना है, तो इट इज क्वाइट इम्पॉसिबल। तो आपके दिमाग में बत्ती भी नहीं जलेगी और आप उसको कर भी नहीं पाओगे, और टाइम बाउंडेड होना चाहिए। अब इसको हम अपने बिजनेस के ऊपर एग्जांपल लेते हैं कि अगर आपने सोचा कि मैं इस बार अपना अगले 3 महीने के अंदर अपना नेक्स्ट लेवल क्वालिफाई करूंगा, अगर आप गोल्ड हो तो आप अपना स्टार को टारगेट कर सकते हो। अगले 3 महीने के अंदर आप स्ट्रेटजी बनाइए, प्लानिंग बनाइए, और 3 महीने के अंदर आप अपना गोल्ड से स्टार पे जा रहे हो। 3 महीने के अंदर आपने गोल्ड से स्टार पे जाने का कहा, तो ये हुआ तुम्हारा एक स्पेसिफिक स्मार्ट गोल। आपने स्पेसिफिकेशन भी दे दिया कि हम गोल्ड से स्टार पे जा रहे हैं। मेजरेबल हो गया कि हाँ आपका नीचे जो 2 डायरेक्टर थे अब 3 डायरेक्टर हो जाएंगे, यानी इसका एक मेजरमेंट हो गया। और मेजरमेंट के बारे में हमेशा मैं अपनी वीडियोस में बोलता हूँ कि वॉट एवर यू कैन मेजर यू कैन कंट्रोल। जो भी चीज मेजर नहीं कर सकते तो उसको कंट्रोल नहीं कर सकते किसी भी कीमत पर।
तो मेजरमेंट होना बहुत जरूरी, इसी के लिए मैं अपनी हर टीम मेंबर को मैं बोलता हूँ और आप सबको भी बोलता हूँ जो स्क्रीन के ऊपर है कि आप लोग अपनी अपनी डायरी मेंटेन करिए। ये बिजनेस इतना बड़ा है, आप देखिए कोई छोटा बनिया भी होता है ना, वो भी अपना एक नोटपैड रखता है दुकान के ऊपर। इतने बड़े बिजनेस में आते हैं और हम लोग कभी भी क्या करते हैं कि कोई डायरी नहीं, कोई नोटपैड नहीं, टाई लगाई आराम से, हाथ में फोल्डर लिया और चल दिया बिजनेस दिखाने के लिए। भाई इतना कैजुअल बिजनेस को लोगे तो ये बिजनेस आपको 2-4 महीने के बाद अपने सिस्टम से निकाल के बाहर फेंक देगा। इसलिए आप लोगों को मेजरमेंट पे बहुत ध्यान रखना है, डाटा मैनेजमेंट, आप लोगों को डाटा रिस्टोर करना है, लिखना है किससे बात हुआ है, क्या बात हुआ, क्या लिखना है, वो सब चीजें भी हम लोग अपनी ट्रेनिंग में आपको सिखा देंगे। अटेंडेबल होना चाहिए, रिलेवेंट होना चाहिए और टाइम बाउंडेड होना चाहिए। अगर आपने ये सब चीजें अगर आपने अपने गोल के लिए की है तो आप आगे बढ़िए और कुर्सी चलेंगे। अगर आपका पहला वाला भी पादन कंप्लीट होना चाहिए, दूसरा भी होना चाहिए, तो ही ऑटो पायलट मोड की मैं जर्नी बता रहा हूं आपको। अगर आपको ऑटो पायलट मोड में लेके जाना है तो इन छोटी छोटी बेसिक चीजों के ऊपर आपको काम करना पड़ेगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि कुर्सी। कुर्सी का मतलब होता है कि वो पोजीशन, ये आपने गोल सेट कर लिया, आपने ओनरशिप का भी अपना पूरा काम कर लिया। अब बात आती है कि कौन कौन सी कुर्सी होनी चाहिए। जैसे हमने आप लोगों को कुछ दिन पहले एक अपना सिस्टम बताया था जिसमें कि हमने बताया था कि आप लोग अपने बिजनेस के अंदर या तो फीडर का काम करें, या फिर क्लोजर का काम करें, या फिर डिफेंडर का काम करें। ये तीन शब्द बहुत से नए लोग हैं, उन लोगों के लिए शायद ये कठिन होगा इसको समझना। फिर भी मैं बता दूं आपको कि जैसे फुटबॉल का गेम होता है तो एक ही आदमी गोल भी करे, एक ही आदमी गोल भी बचाए और एक ही आदमी बॉल पास करे, तो ऐसा पॉसिबल नहीं होता है। एक ही आदमी पूरे मैदान पे नहीं खेल सकता। हर आदमी का अपना एक अलग जिम्मेदारी होती है, उसका मकसद होता है, उसको खेलने का तरीका बताया जाता है, नियम बताए जाते हैं, उसकी जिम्मेदारी होती है और जवाबदारी होती है। तो यहाँ पर हम अपने फुटबॉल के एग्जाम्पल से लेके समझते हैं कि उसका मकसद क्या होता है। जो आदमी गोल के पास खड़ा होता है उसका मकसद होता है गोल को दागना, उसका और कोई काम नहीं, उसका गोल बचाने वाले से कोई मतलब नहीं है। जो दूसरे साइड में गोल बचाने वाला खड़ा हुआ है, गोल पोस्ट पे गोली खड़ा हुआ है उसकी टीम का, उसको उससे कोई मतलब नहीं होता। उसका मकसद ये बिल्कुल भी नहीं होता कि गोल बचाना। जो आदमी गोल के पास खड़ा है उसका मकसद है गोल को दागना। जो गोली होता है यानी कि जो गोल पोस्ट पे आपके गोल को रोक रहा होता है उसका मकसद होता है गोल को बचाना। तरीका क्या होता है उसको सारे तरीके सिखाए जाते हैं गोल को कैसे बचाया जाए। जब का इधर से आएगी तो आप इधर को गिरोगे, इधर को आएगी तो इधर को गिरोगे, सारे तरीके उसको यानी सारी स्किल्स सिखा दी जाती हैं। नियम, उसको नियम बताया जाता है कि आप अपने डी के अंदर रहेंगे, अपनी गोल पोस्ट के आजू बाजू में ही रहेंगे, इसके अलावा आप कहीं पर घूमते नहीं फिरेंगे। अगर गोल आपका फुटबॉल गोल के उस तरफ भी है यानी कि सेकंड पार्ट में भी है तो ऐसा नहीं कि गोली आराम से बैठ करके यहाँ पर जो गप्पे मार रहा हो, वो हर समय अलर्ट रहता क्योंकि उसकी जिम्मेदारी होती है और अगर गोल हो गया तो उसकी जवाबदारी होगी, उसको जवाब भी देना पड़ेगा, भाई तेरे रहते हुए गोल कैसे चला गया। जब सब कुछ आपको पता था, सब कुछ आपकी स्थिति अंडर कंट्रोल थी। तो ये आपको अपने बिजनेस पे लेकर के आते हैं कि कुर्सी का मतलब होता है कि आपके बिजनेस के अंदर कौन आदमी आप पे जो लोगों को, नए लोगों को लेकर के आएगा, इसको हम बोलते हैं। उसका मकसद क्या है, लोगों को लेकर के आना, नए लोगों को लेकर के आना, उसको लाने का तरीका भी आप उसको सिखा दीजिए। और नियम क्या है कि कम से कम 2 लोग या 3 लोगों को पर डे उसको आपसे मिलवाना है, उसकी जिम्मेदारी है, और नहीं मिलवाता है तो उसकी जवाबदारी होगी। प्लस जिन लोगों को वो लेकर के आया है तो कुछ लोगों को ऐसे डिप्यूट करिए आप अपने सिस्टम के अंदर कि वो लोग जो हैं उन नए लोगों को जो लेके आया है उनको इनवाइट करके लाया है, अब उनको वो क्लोज करें। इसका मतलब होता है क्लोजर का मतलब हुआ कि उनकी ज्वाइनिंग करवानी है, प्लान शो करना, ज्वाइन करवाना, प्लान शो करना, ज्वाइन करवाना। जो आदमी लेकर के आएगा लोगों को वही आदमी प्लान शो करेगा तो रिजल्ट बहुत कम मिलते हैं। इसलिए फीडर का काम अलग होता है और क्लोजर का काम अलग होता है। अगर आपने अपने बिजनेस में ऐसी कुर्सियां बनाई हुई हैं, ऐसे लोगों को जिम्मेदारियां दी हुई हैं, तो आपका बिजनेस देखना बहुत जल्दी सूटअप हो जाता है और बहुत जल्दी आपको सक्सेस मिलने लगती है।
प्लस एक होता है डिफेंडर, यानी कि जो लोग आपके बिजनेस में ज्वाइन हो गए हैं अब उनको रोक के रखना है, उनकी रीपर्चेज करवाना है और उनसे भी नए लोगों को अपने अंदर बिजनेस में मंगवाना है। तो ये हो गया मकसद के बारे में बताया हमने, उसका तरीका बताया, उसका नियम क्या है कि रेगुलर कंसिस्टेंट आपका वो वर्क होना चाहिए। इसके लिए आपका डाटा मैनेजमेंट काम आएगा, जो डेटा हम बनवाते हैं उसके हिसाब से अगर आप काम करोगे तो रेगुलर बेसिस पे लोगों की आपके यहाँ ज्वाइनिंग शुरू हो जाएगी। अगर पर डे एक ज्वाइनिंग भी होती तो भी महीने में 30 ज्वाइनिंग बहुत बड़ी ज्वाइनिंग मानी जाती है, और केवल केवल 100 पीबी से भी ज्वाइन करवाते तो भी बड़े आराम से आपका 3000 पीबी का बिजनेस हो जाता है, और लगभग 100-200 पीबी का बिजनेस और कर लीजिए तो 3300 पीबी पे आपको स्कीम फंड भी आ जाता है बड़ी आसानी से अगर आप डायरेक्टर के लेवल पे हो। तो इस तरीके से मैंने बताया कि बहुत आसान तरीका है बिजनेस को करने का, जिम्मेदारी आप अगर अपनी लेते हो और उन लोगों को जिम्मेदारी दे देते हो जिन लोगों को आपने डिप्यूट किया। आपकी टीम के अंदर अपने लोगों को आप डिफाइन कर दीजिए कि आपका काम है ये, आपका काम है ये, आपका काम है लोगों को लाना और आपका काम है प्लान दिखाना, आपका काम है डेमो करना, आपका काम है बिजनेस के बारे में बताना, आपका काम है कि नीड क्रिएट करना, आपका काम है कि आपको जो है एग्रीकल्चर के प्रोडक्ट के बारे में बताना, आपका काम है कि ब्यूटी प्रोडक्ट के बारे में बताना। ऐसे तमाम लोगों को अलग अलग सेक्टर्स में बांट दीजिए। अगर आप लेडीज है उसको आप एग्रीकल्चर के प्रोडक्ट बताने के लिए बात कर रहे हो तो गलत बात है, क्योंकि उसका एरिया ऑफ इंटरेस्ट जो है ब्यूटी प्रोडक्ट में ही होगा। इसलिए आप उनको वही काम दीजिए जिसको जो आदमी जिस काम के लिए सूटेबल हो। ये कुर्सी का मतलब होता है और ये डिफाइन करने के लिए थोड़ी सी स्किल लगती है, जो स्किल्स हम लोग आप लोगों को ट्रेनिंग में सिखाते हैं। प्लस आगे बढ़ते हैं, अगर आपने कुर्सी डिफाइन कर ली, गोल डिफाइन कर ली और अपना ओनरशिप का जो जितना भी हमने 5 चीजें बताई वो अगर आपकी परफेक्ट है तो आप सही लोगों की तलाश करिए। ऐसे लोगों की तलाश करिए जिनकी इच्छा होनी चाहिए काम करने की। जबरदस्ती मामा चाचा ताऊ का लड़का बैठा देने से आपका बिजनेस नहीं होने वाला है। तो आप उन लोगों की व्यक्ति की तलाश करने के लिए आप निकलेंगे जिनकी इच्छा हो और जिनको स्किल्स हो थोड़ी बहुत, और प्लस उनको मोटिवेशन भी होना चाहिए इस काम करने के प्रति, उनकी अंदर से आग होनी चाहिए। ऐसे लोगों की तलाश करनी है। इसके लिए हमने आप लोगों को फॉर्म का फार्मूला दिया हुआ है और मैन का फार्मूला दिया हुआ है। मैन का मतलब होता है MAN का मतलब होता है कि उस आदमी को आप बात करिए जो आदमी की जो आदमी पास मनी हो, जिस आदमी के पास अथॉरिटी हो, और उस आदमी से बात करिए जिस आदमी के पास जो है नीड हो। MAN ऐसे व्यक्ति को आप अपने बिजनेस में है और उनकी इच्छा भी होगी क्योंकि नीड है उनकी, प्लस उनकी स्किल्स होगी, जो स्किल्स हम लोग थोड़ी सी डेवलप कर लेंगे, और यहाँ पर मोटिवेशन। दोस्तों एक चीज आपको और बता दूं कि हमें कुर्सियां बना के देनी पड़ती हैं। लोग सोचते हैं कि बंदा आएगा अपने आप सब कुछ सीख जाएगा और अपने आप बिजनेस कर लेगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। इस बिजनेस को करने के लिए आपको सिस्टम बना के देना पड़ेगा। लोगों को सिस्टम बनाना नहीं आता है, लोगों को बिजनेस का सिस्टम चलाना आता है, बनाना नहीं आता है। आपको अपनी मारुति पे जो चलते हो या फिर आप जो भी गाड़ी रखते हो, हीरो होंडा की गाड़ी रखते हो, आपको गाड़ी बनानी नहीं आती है, आपको चलानी आती है। तो आप अपने बिजनेस के अंदर भी ये बात ध्यान रखिए कि ये सिस्टम जो तैयार करते हैं हम लोग, जो लीडर, जो आप सब लोग 100 लीडर्स इस समय हमारी स्क्रीन के ऊपर है। सबसे पहले तो मैं आप सब लोगों को बधाइयां दूंगा कि आज हमारे इसके ऊपर वेबिनार पे 100 की 100 स्ट्रेंथ ज्वाइन करके बैठी हुई है। 100 लीडर पूरे देश और विदेश से अपने इस वेबिनार के ऊपर हैं। आप सब लोगों का इस वेबिनार पे आने का बहुत बहुत धन्यवाद। और आप लोग इस सिस्टम को सीख रहे हो, आपको बता आप ये सिस्टम बनाना सीख लीजिए, चलाने को आप किसी को भी दे दोगे चला लेगा। ये कुर्सी है, कुर्सी के ऊपर कोई बैठे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर प्रधानमंत्री की कुर्सी है तो उस पर चाहे राहुल गांधी बैठे चाहे नरेंद्र मोदी बैठे कोई फर्क नहीं पड़ता। जो सिस्टम है वो सिस्टम फॉलो उन्हें करना पड़ेगा, इसलिए पूरे प्रॉपर सिस्टम बनाए जाते हैं। हम लोगों ने सिस्टम बनाने की प्रयास किया है यहाँ पर। आप लोगों को भी सिस्टम बनाने को बोलता हूँ कि जो सिस्टम है वो कुर्सी है, वो कुर्सी का सिस्टम आप डिफाइन कर दीजिए। उसके ऊपर कोई भी आके बैठे, कोई भी आदमी आके प्लान दिखाए, कोई भी आदमी आकर के यहाँ पर अपने लोगों को लेकर के आए, कोई भी आदमी आकर के यहाँ पर डेमो देखे और अपना काम शुरू करे। चौथा, ये जो हमने बताया ये आपको बहुत जरूरी है कि उसी आदमी को बैठाइए जिसकी स्किल्स हो, जिसकी इच्छा हो और जिसका मोटिवेशन हो। कम से कम 6 महीने तक काम करने का अंदर
जो अंदर उसके अंदर इच्छा शक्ति हो वो लोगों को लाइए, क्योंकि रातों रात बिजनेस में आप बहुत बड़े आदमी नहीं बन सकते। यहाँ पर ये नेटवर्क मार्केटिंग है। और फिर पांचवें के ऊपर चलते हैं, जो मॉनिटर की बात करते हैं, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। जब आपके चार स्टेप पूरे हो जाए तो आप मॉनिटरिंग करना शुरू करिए। यहाँ हम क्या कहते हैं कि आप बिजनेस में काम ना करें, बिजनेस पर काम करने को हम बताते हैं इसको मॉनिटरिंग। जो बिजनेस है उसके ऊपर आप काम करें, लोगों को देखें, लोगों को समझें, लोगों का मकसद देखें, वाच करें, लोगों को का तरीका जो है वो वाच करना पड़ेगा, नियम से काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं उसके लिए आपको वाच करना पड़ेगा। सिर्फ आप लोगों ये कुर्सी वाले लोगों को वाच करना, नीचे सारा काम ऑटोमेटिक होता चला जाएगा। अगर आपने प्रॉपर सिस्टम 6 महीना 1 साल 2 साल के अंदर अपने टीम के अंदर तैयार कर दिया है, कोई ताकत नहीं है जो इस बिजनेस में आपको सफल होने से रोक ले। लेकिन अगर आप सिस्टम नहीं बनाओ, सोच रहे हो कि केवल 5,000 रुपए का सामान ले लिया है, अब गौतम बाली साहब आपके घर के अंदर जो है लाखों रुपए की बोरी डाल देंगे, बिल्कुल कभी भी नहीं होने वाला है। आप जान पाएंगे उन्होंने सिस्टम डेवलप किए हुए, वो सिस्टम काम कर रहे हैं, हम लोग ऑटोमेटिक उनके नीचे काम कर रहे हैं और इस तरीके से उनको पैसा आता है। दोस्तों ये हमने आप लोगों को कुछ चीजें बताने की कोशिश किया और आगे बढ़ते हैं। अभी जो भी आप लोगों ने हमारे से अभी ये बिजनेस का सेशन लिया, के अंदर हमने 5 चीजें बताई आप लोगों को। फटाफट थोड़ा सा रिकैप कर देता हूँ, कुछ लोग बाद में ज्वाइन किए थे। हमारे ऑटो पायलट मोड पे चलने के लिए, आपका बिजनेस ऑटो पायलट मोड पे चले, अपने आप चले बिजनेस, उसके लिए आपका ओनर का होना जरूरी है। ओनर के अंदर ये 5 चीजें होना जरूरी है, जो कि फोकस है, माइंडसेट है, स्किल्स है, हैबिट है और एनर्जी लेवल है। ओनर के अंदर होना चाहिए, प्लस ओनर का गोल सेट होना चाहिए जो कि स्मार्ट गोल होना चाहिए, जिसके बारे में मैंने डिटेल में बताया। प्लस उसको कुछ कुर्सियां डिफाइन करनी पड़ेंगी, कुछ पोजीशनिंग करनी पड़ेगी अपने बिजनेस के अंदर, कुछ लोगों का काम उनको डिफाइन करना पड़ेगा। जो आदमी प्लान दिखा सकता है, हो सकता है कि वो इनवाइट ना अच्छा कर पाता हो, तो उसको इनवाइट के ऊपर मत भेजिए, उसको सिर्फ प्लान दिखाने के लिए रखिए। जो लोग इनवाइट कर सकते हैं उनको प्लान मत दिखाने के लिए बोलिए। कुछ लोगों को बोलने की स्किल्स नहीं होती तो छोड़ दीजिए, उनको सिर्फ इनविटेशन की बात करिए। कुछ लोगों को डेमो दिखाने का अच्छा प्रैक्टिस होता है तो डेमो दिखवाइए। ऐसे तमाम काम है अपने बिजनेस के अंदर, वो कुर्सी डिफाइन करिए और वो कुर्सी पर सही लोगों को बैठा दीजिए। चौथा नंबर, सही लोगों को बैठाना। ऐसे लोगों को बिठाइए जिनकी इच्छा शक्ति हो, जिनके अंदर अपना कुछ स्किल्स हो काम करने की। जैसे लेडीजे हैं, उनको आप ब्यूटी के काम में लगा दीजिए, या फिर उनको प्रोडक्ट के डेमो में लगा दीजिए, और या फिर उनको प्लान शो में लगा दीजिए, इनविटेशन में लगा दीजिए। लेडीजे हमारे यहाँ पर हर तरीके का काम कर सकती हैं, उनके अंदर मोटिवेशन होना चाहिए। और आप करें बिजनेस को मॉनिटर और झंडे गड़ाएं इस बिजनेस के अंदर। तो ये चीजें हमने आपको बताई, आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन आंसर सेशन के ऊपर हम लोग आएंगे। अब हम आप लोगों के सामने ओपन होंगे और आप लोग अपने अपने सवाल सकते हो कि क्या सवाल है और हम उसका जवाब देने के लिए आपको तैयार हैं। दोस्तों अगर आप अपने बिजनेस में एक्टिवली काम करके अपने बिजनेस में 2 से 3 गुनी ग्रोथ करना चाहते हो, वो भी कम से कम समय में और कम से कम मेहनत में, तो आप हमारे साथ पर्सनली काम कर सकते हैं। मेरा एक्सपीरियंस को यूज करके आप अपने बिजनेस को नई ऊंचाइयों पर ले जा सकते हैं। थोड़ा सा मैं आपको अपने बारे में बता दूं कि मैंने B.Tech मैकेनिकल इंजीनियरिंग से किया हुआ है और प्लस मैंने अपना MBA भी कंप्लीट किया और लगभग 18 साल तक मैंने इंजीनियरिंग फील्ड में जॉब किया हुआ है। वहां पर मैंने बहुत सी मैनेजमेंट स्ट्रेटजी सीखी और उनको मैंने इम्प्लीमेंट किया अपने बिजनेस के अंदर, वेस्टीज के अंदर। सन 2017 अगस्त में मैंने अपने वेस्टीज के अंदर रजिस्ट्रेशन किया और उसमें काम करना शुरू किया। बहुत से चैलेंजेस मेरे को भी आए और मैंने फिर भी उन चैलेंज को फेस करते हुए मात्र 8 महीने के अंदर अपना क्राउन डायरेक्टर का लेवल अचीव किया और 1,00,000 रुपए से ऊपर की इनकम स्टार्ट कर दी। उसके बाद में 16 महीने के अंदर मैंने अपना UCD का लेवल ब्रेक किया, फिर मैं नेशनल मोटिवेटर स्पीकर हुआ, अभी आज की डेट में इसमें बिजनेस कोच हूँ। मैंने अपने इसी कार फंड से लगभग 13 महीने के अंदर मैंने कार भी ली। ये सारी जो जर्नी थी इसमें बहुत अच्छे अच्छे मुझे एक्सपीरियंस हुए, कुछ खट्टे कुछ मीठे, लेकिन बहुत कुछ सीखने को मिला। और अपने बिजनेस को नई ऊंचाइयों पर कैसे ले जा सकते हैं, ये सारा एक्सपीरियंस मैंने गेन किया इसके अंदर, वो भी बिना किसी पास्ट एक्सपीरियंस के। मुझे पुराना कोई भी एक्सपीरियंस नेटवर्क मार्केटिंग का नहीं था। यह एक खूबसूरत जर्नी थी हमारी,
जिसमें कि मैंने बहुत सारी चीजें सीखी और मुझे समझ में आया कि अगर आपको नेक्स्ट लेवल पे जाना है तो आपको 5 चीजों पर काम करना पड़ेगा। मार्केटिंग का चैंपियन बनना पड़ेगा, सेल्स का चैंपियन बनना पड़ेगा, आपको पीपल्स का चैंपियन बनना पड़ेगा, आपको सिस्टम का चैंपियन बनना पड़ेगा और आपको मैनेजमेंट का चैंपियन बनना पड़ेगा, तो आप अपने बिजनेस को नई ऊंचाइयों पर ले जा सकते हैं। आपको ये 5 चीजों पर जब चैंपियन बनते हो तो ऑटोमेटिकली आप देखेंगे कि आपके बिजनेस में ग्रोथ स्टार्ट हो जाती है। इसके लिए मैंने एक प्रोग्राम भी डिजाइन किया है जिसको हम ग्रो योर बिजनेस प्रोग्राम बोलते हैं। ये प्रोग्राम हमारा 3 महीने का होता है, इसको हमने 2 पार्ट में डिवाइड किया हुआ है। पहले महीने के अंदर हम आपको थ्योरेटिकली सारी चीजें सिखाते हैं, वो स्ट्रेटजी, वो प्लानिंग्स कि किस तरीके से आपको आगे बढ़ना है। उसके बाद में अगले 2 महीने तक हम उनको इम्प्लीमेंट करवाते हैं मार्केट में, फील्ड में। धीरे धीरे आपका सिस्टम डुप्लीकेट होने लगता है और वो सारी चीजें आप प्रैक्टिकली अनुभव कर पाते हो, प्रैक्टिकली फील्ड में यूज कर पाते हो। इस प्रोग्राम की एक और खास बात है कि इसको आप ऑनलाइन कहीं से भी अटेंड कर सकते हो और आप अपनी बिजनेस में समस्याओं का सीधा समाधान हमारे से ले सकते हो। इस प्रोग्राम को देश के कोने कोने से लोग अटेंड कर रहे हैं और अपने बिजनेस को ग्रो कर रहे हैं। और नीचे स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर आप मुझे व्हाट्सएप कर दीजिए उसका स्क्रीनशॉट और आपको हमारी टीम की तरफ से कंफर्मेशन मैसेज पहुंच जाएगा आपके रजिस्ट्रेशन के लिए और आपका नेक्स्ट बैच के लिए रजिस्ट्रेशन कर दिया जाएगा। अगर आप हमारी व्हाट्सएप कम्युनिटी भी ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप नीचे दिए गए लिंक पर जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है उस पर क्लिक करके डायरेक्ट आप हमारी व्हाट्सएप कम्युनिटी भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें हम तमाम तरीके के वेबिनार्स जो कि फ्री वेबिनार्स होते हैं वो भी मैं आप लोगों को देता रहता हूँ। आप इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा और बेल आइकन का बटन जरूर दबा दीजिएगा, क्योंकि हमारी नई नई स्ट्रेटजी की जो नोटिफिकेशन है वो आप तक सबसे पहले पहुंचे ताकि आप अपने बिजनेस को ग्रो कर सकें। ये वीडियो अपने उन सभी साथियों को जरूर शेयर कर दीजिएगा जिनकी ग्रोथ करवाना आप चाहते हो, और जो सिस्टम आपको पसंद आया तो वो सिस्टम औरों को भी पसंद आ सकता है। यदि आप भी इस प्रोग्राम को अटेंड करना चाहते हो तो नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करके आप वो फॉर्म भर दीजिए, अपना रजिस्ट्रेशन करके उसको सबमिट कर दीजिए। नीचे आपको एक कमेंट बॉक्स मिलेगा, वहां पर आप कमेंट करके मुझे ये बताएं कि अगला कौन सा टॉपिक पर आप वीडियो चाहते हैं, हम उसके लिए प्लानिंग करेंगे और आपको उस टॉपिक पर वीडियो प्रोवाइड करवाएंगे जिससे कि आपका सही मार्गदर्शन हो सके। इस वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू दोस्तों, विश यू वेल। सब्सक्राइब नाउ एंड प्रेस द बेल आइकन, नेवर मिस एन अपडेट।